लोकसभा चुनाव के बाद भी महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज ही है। विधानसभा चुनाव जो होने हैं 4 महीने बाद, ऐसे में खबर मिल रही है कि बीजेपी की ओर से एक बड़ी बैठक है और इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र में सितंबर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए मुंबई में बैठक हो रही है। बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के मुखिया आशीष सेलार, बीजेपी के पदाधिकारी और दूसरे दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी नेता लोकसभा चुनाव के नतीजे और विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को 17, इंडिया को 30 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। इसी लोकसभा चुनाव में हार को लेकर निशाना बनाए जाने पर अजित पवार गुट वाली एनसीपी ने बीजेपी पर तंज किया है। 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उतरा के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमानी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए जानकर को, तो हमारे पहले में आए 2 सीट, हम उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब बात आ रही है विधानसभा चुनाव की तो सुर बदले बदले लगाए जा रहे हैं। कहां, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन में खटपट दिखने लगी है। महाअघाड़ी में शामिल उद्धव गुट वाली शिवसेना सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। एक बहुत बड़ा पड़ाव हम पार कर चुके हैं, जहां पे हम पे ये आरोप लगाए जा रहे थे कि हम नकली शिवसेना है। उद्धव साहब पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा नकली संतान है। उन सबका मुंह बंद कर, उन सबके मुंह पे एक तमाचा मारकर हमने लोकसभा जीती है। हम इस मेहनत से काम करेंगे, सारे 288 सीट पे हम ही लड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद कांग्रेस 150 विधानसभा सीटों पर दावा कर रही है। शरद गुट वाली एनसीपी भी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दोनों सहयोगी पार्टियों के रुख को देखते हुए उद्धव गुट सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा है। वहीं लोकसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन देने वाले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना भी अब अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रही है। अभी तो फिलहाल तो वो बात ही है ना, इलेक्शन है तो इलेक्शन में तो सामने जाना ही है। तकरीबन 200-250 सीट हम लोग पक्के लड़ेंगे और आगे देखते क्या। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।